साथियों नमस्कार, योगा एंड अल्टरनेटिव थेरेपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज हम चर्चा करने वाले तीन शरीर थ्री बॉडीज के विषय में। तीन शरीर, पंचकोश, षटचक्रास, ये सभी योगिक लाइफ, योगी के जीवन के विभिन्न डायमेंशन है। ये आइए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सभी के बारे में क्रम से जानेंगे, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वे तीन शरीर के बारे में है। इसमें हम जानेंगे तीन शरीर है क्या, इससे पूर्व शरीर क्या है, शरीर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के शरीर पाए जाते हैं और इन शरीरों में कौन कौन से इसके एलिमेंट हैं, योगी जीवन में किस प्रकार हमारे महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हो सकता है, इसके बारे में हम लोग विशेष तौर से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों आप इसे देखें और पूरी तरह देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको पूरे पूरे नॉलेज ज्ञान शरीर के बारे में मिल पाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको निश्चित तौर से एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया विचार, नया थीम आपको मिलेगा। इसके लिए आइए देखते हैं शरीर। शास्त्रों में कहा गया है, विशेष तौर से मनुस्मृति में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर माध्यम है धर्म को सिद्ध करने का। धार्यते जनय इति धर्म, जिसको धारण करने से जीवन का कल्याण होता है, इहलोक और परलोक दोनों में, वही तो धर्म है। जीवन लक्ष्य, जीवन उद्देश्य की जिससे प्राप्ति हो सके, वह शरीर है। शरीर को मानव जीवन का एक अमूल्य निधि के रूप में हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया है। निधि वह है जो सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों के पूर्ति में जो सहायक है। शरीर रथ पर आरूढ़ आत्मा को सामर्थ्यवान रथी के नाम से जाना गया है, अर्थात सामवेद की ऋचाओं में इसको रथी भी कहा गया है। रथी भी अर्थात रथ पर आरूढ़ वह दिव्य आत्मा जो रथ में क्या है, एक रथी के रूप में विद्यमान है। योग का साधन है हमारा शरीर, ये केवल एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो जीवन लक्ष्य की प्राप्ति, मोक्ष मुक्ति और कैवल्य की प्राप्ति है। तो एक साधन होने के नाते साध्य को प्राप्त करने के लिए शरीर के माध्यम से हम लोग गति करते हैं। योग बीज जो योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हठ योग के महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें कहा गया है, ज्ञान निष्ठो विरक्तोपि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः विना देहेपि योगे न मोक्षम लभते विधा। अर्थात चाहे कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, बिना इस मानव जीवन के अधिकृत योग के ज्ञानी विरक्त जितेंद्रिय धर्मज्ञ भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए आवश्यक है ये मानव जीवन। सुर दुर्लभ मानव जीवन कहा गया, सुर दुर्लभ मतलब सुर मतलब देवताओं को भी दुर्लभ यह मानव जीवन है। हमारे यजुर्वेद जो चार वेद है उसमें से एक वेद है यजुर्वेद, इसमें कहा गया है इयम ते यज्ञः तनु, कहा गया है कि यह शरीर तो केवल और केवल कल्याण के लिए है, यज्ञ हेतु मिला है। तो यज्ञ हेतु प्राप्त इस जीवन को केवल यज्ञ कार्य के लिए अर्थात मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें कार्य में प्रयोग करना चाहिए। इसको सीर्यते अनेनेति शरीरा, संस्कृत शब्दकोश में कहा गया है जिसमें टूट फूट, जिसमें सृजन और विध्वंस, सृजन और विध्वंस दोनों ही कार्य अल्टरनेट जिसमें चलता रहता है, अपचय और उपापचय, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्मिक क्रियाएं सतत चलती रहती है। वहां चलने वाली उस सतत क्रिया जिस स्तर पे और जिस पर चलती है वह हमारा शरीर है। अर्थात शरीर बनता भी है और बिगड़ता भी है, दोनों कार्य एक साथ इसमें गति करता है। आगे कहा गया है चरक संहिता में, चरक शरीर पक्ष में कहा गया है, तत्र शरीरम नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायत्मकम समयोगवाही। अर्थात जो चेतना का अधिष्ठान है, तत्र शरीरम नाम, शरीर उसका नाम है जिसमें चेतना का क्या है, अधिष्ठान, अधिष्ठान में चेतना का जिसमें वास है। पंच महाभूत, पंच महाभूत आपको पता है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत है। पंच महाभूत विकार और उसके विकार जो पंच तन्मात्र है, उसके ये पांच विकार जो पंच महाभूत के रूप में है, इसके जो समुदाय वाह और उसके जो समूह हमारे ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिया है, इसके संयोग से जो उत्पन्न हुआ है वह शरीर है। तो शरीर हमारे जीवन, मनुष्य जीवन जो प्राप्त है वो जीवन लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार आत्मा के ऊपर तीन परिधान लपटे हुए हैं,
वे परिधान वैसा ही है जैसे हम अंदर बनियान कुर्ता और ऊपर में कोट पहने हुए हैं। ये लेयर है, परत है, एक के ऊपर एक। वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर में ये शरीर की तीन लेयर है जिसे को हम अलग अलग शरीर के रूप में जानते हैं। सामवेद में कहा गया है, इंद्र त्रिधातु शरणम त्रिवरुधम स्वस्तरे। अर्थात कहा कि ये शरीर रूपी जो गृह बना हुआ है, इसमें वात पित्त कफ, ये तीन धातु वाला तथा तत्वों वाला स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन आवरणों वाला बताया गया है। तो शरीर को तीन प्रकार के जो सामवेद में चर्चा किया है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन है। आज तक साथियों, आज हम इसी सब्जेक्ट पे विशेष चर्चा करने वाले हैं कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीन शरीर है क्या, क्या उपयोगिता है इसका मानव जीवन में, इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। यहाँ पे देखिए, शरीर के तीन भेद बताए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सबसे पहले सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप एक एक शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। ये शरीर तीन है, लेकिन तीनों शरीर का मानव जीवन में महत्व है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शरीर से जीवन चल जाए, ऐसा नहीं है। अगर स्थूल शरीर है तो स्थूल शरीर को जो प्राण मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो सूक्ष्म शरीर है। अर्थात स्थूल शरीर का आत्मा सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर को जहाँ से प्राण और जहाँ जीवन का आधार, या सूक्ष्म शरीर को जीवित रहने का जो आधार है, वो कारण है, कॉसेस। तो कारण शरीर जो हमारा है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉजल बॉडी है, पहला जो स्थूल बॉडी है, और दूसरा हमारे जो सूक्ष्म, जिसे हम लोग कहते हैं सप्टल बॉडी कहते हैं, और तीसरा नंबर जो है कॉजल बॉडी है। ये तीन शरीर है, और तीनों शरीर का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण उपयोगिता है। साथियों, हम लोग पहले स्थूल शरीर के बारे में चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष, सुंदर, आकर्षक रूप में जो दिखाई पड़ता है, अर्थात इन स्थूल नेत्रों के माध्यम से जिसे हम देख सकते हैं, जो दिखाई पड़ता है, वही आकर्षक सुंदर देह, उसी को हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसे स्पर्श कर सकते हैं, स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। आगे कहा गया है, माता पिता के भुगतान से उत्पन्न, शुक्र श्रोणित से उत्पन्न है। भुगतान मतलब भुक्त, मतलब खाया हुआ अन्न। माता पिता ने जो अन्न ग्रहण किया और उस अन्न से रज और वीर्य का निर्माण हुआ, दोनों के संयोग से जो शरीर हमें उत्पन्न हुआ, वो हमारा स्थूल शरीर है। इसी में हम सारे क्रियाकलाप कार्य व्यापार करते रहते हैं। नंबर नेक्स्ट कहा गया है, ये अन्न का परिणाम स्थूल शरीर होता है। अन्न का परिणाम है, कहा गया है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न मन और मन से शरीर का संबंध है, ये आपस में एक दूसरे के अंदर सहसंबंध है। इसलिए अन्न का परिणाम, जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही शरीर पतला दुबला मोटा जो भी हो सकता है, वे अन्न का परिणाम हमारा ये स्थूल शरीर होता है। आगे हमारे ऋषियों ने कहा है, सप्त धातुओं से निर्मित रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सात धातु है। धातु उसे कहते हैं धारणात् धातुवा, जो शरीर को धारण करता है वो धातु है। और ये सात धातु स्टेप बाय स्टेप, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अभी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो रस मिलती है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र का निर्माण होता है। ये सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे का निर्माण करते चला जाता है। मित्रों, इसके बारे में हम एक वीडियो अलग से आपसे बनाएंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार निर्माण करता है, और एक के अवरोध, एक से दूसरे के बीच में जो कड़ी बनी हुई, वो कड़ी किस प्रकार क्रम चलता है, इसके बारे में हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। पंचीकृत, ये स्थूल शरीर कहा जाता है पंचीकृत। पंचीकृत इसलिए कहते हैं कि पांच तत्व से निर्मित होता है। ये पांच तत्व कौन कौन से है? पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और पांचवा है पृथ्वी। ये पंच महाभूत, इसे आयुर्वेद में और सांख्य दर्शन में इन पांचों तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये पांच तत्व जो है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों से मिलकर हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। अरे साथियों, आपको जानना है कि शरीर में आकाश कहाँ पे है। तो शरीर में आकाश वह है, आकाश मीन्स खालीपन। शरीर में जितने खाली स्पेस है, चाहे आप मुंह के अंदर देखिए, नाक में देखिए, कान में देखिए, लेकिन सबसे ज्यादा स्पेस आपके लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन में। वायु गतिशीलता का प्रतीक है, शरीर में जितना भी मूवमेंट है, जहां भी गति कर रहा है, वो आपके वायु तत्व का प्रतीक। अग्नि शरीर में ताप, गर्माहट, जठराग्नि के रूप में शरीर में अग्नि विद्यमान है। जल लिक्विड फॉर्म में, जो रस, रक्त और जितने प्रकार श्लेष्मा है, ये सारे के सारे जल तत्व के रूप में शरीर में विद्यमान है।
पृथ्वी तक हमारे शरीर में हड्डी और मांस के रूप में विद्यमान है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये हमारे क्या है, पंच महाभूत शरीर में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। इसके बाद कहा गया है पूर्व जन्मों के कर्मानुसार जो हमारा जन्म स्थूल शरीर जो मिलता है, अच्छा बुरा, पतला मोटा, अस्वस्थ या अस्वस्थ, जो भी शरीर मिलता हमें, वे सारे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार मिलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही हमारा जीवन प्राप्त होता है। अच्छे हैं, अगर जन्म लेते व्यक्ति रोगी पैदा हो रहा है, एक व्यक्ति जन्म लेते ही स्वस्थ पैदा होता है, एक व्यक्ति अमीर घर में पैदा होता है, एक गरीब घर में पैदा होता है, ये सभी के पीछे साथियों हमारे पूर्व जन्म का कर्म संस्कार सन्निहित होता है। अर्थात स्थूल शरीर हमारे कर्मों का ही, पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति का साधन हमारा स्थूल शरीर है। ये शरीर मानव जो जिसे दुर्लभ कहा गया है, ये ज्ञान किसी प्रकार का आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जितने भी प्रकार के ज्ञान की बात हम करते हैं, ये सभी ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है, महत्वपूर्ण है साथियों, ये हमारा स्थूल शरीर। इसलिए स्थूल शरीर का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। शरीर आत्मा का भोगायतन है। आत्मा का भोगायतन मतलब आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा देखिए सच्चित आनंद स्वरूप है, ये निर्विकार है। लेकिन यदि बात यहाँ पे हो रही कि भोगायतन, आत्मा का भोगायतन, आत्मा तो क्योंकि सूक्ष्म और क्या है वो सच्चित आनंद स्वरूप, लेकिन भोगायतन कहने का मतलब ये है कि आत्मा के ऊपर जो आवरण चढ़ी, उस आवरण में जो संस्कार है, उस संस्कारों के परिणाम स्वरूप इस जीवन में बार बार संसार में जन्म मरण का जो चक्र चलता है वो उपभोग योनि में हम आते हैं। अलग अलग शरीर में, मानव शरीर और अन्य कई प्रकार के शरीर है जिसमें इसको भोग करते हैं, तो ये भोगायतन कहा गया। और भोग लेने के लिए इस योनि को प्राप्त करना, मानव जीवन को, स्थूल शरीर को प्राप्त करना, किसी भी योनि में हो तो स्थूल शरीर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोग वहीं पे होता है, इसलिए इसे भोग शरीर भी कहा गया है। और अंतिम महत्वपूर्ण जो बात कही गई, नाश कारण लय, नष्ट होने पर अर्थात इसकी मृत्यु हो जाती है तो कारण लय, कारण में लय अर्थात समाप्त या उसे मिल जाती है, अर्थात नाश होने पे, शरीर के अंत होने पे, शरीर की मृत्यु होने पे ये कारण में लय हो जाता है, अर्थात आकाश आकाश तत्व में मिल जाता है, और वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, और पृथ्वी पृथ्वी तत्व में लय हो जाती है। इसीलिए कहा गया है नाश कारण लय। तो नाश होने पे जो अपने अपने कारणों में लय हो जाए वे हमारा स्थूल शरीर है। तो साथियों, हमने स्थूल शरीर के बारे में चर्चा किया। अगले कड़ी हम आपसे सामने बता चर्चा करने वाले वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अंदर ही विद्यमान होता है, अर्थात हमारा जैसा स्थूल शरीर जो आप देख पाते हैं वैसा ही सूक्ष्म शरीर होता है, बशर्ते सूक्ष्म शरीर में हमारा ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नहीं रहता। तो इसके अंदर में होता क्या है, बाकी सब कुछ होता है। जैसे आप देख रहे हैं संपूर्ण स्थूल शरीर में परिव्याप्त, जैसा आपका स्थूल शरीर होता है एक आभा के रूप में, औरा के रूप में आप देख सकते हैं। साथियों, कभी आप बैठे तभी भी आप देख सकते हैं, क्या करिए, आप बैठे बैठे अपने आंखों को थोड़ा सा ऐसे मीच लीजिए, मीच करके सामने किसी व्यक्ति को देखिए, उसकी बॉडी के किनारे किनारे एक व्हाइट कलर का लेयर दिखाई पड़ती है, वो लेयर ही वास्तविक में आभा है। किसी में थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, जितनी साधना होती है, जितनी ऊर्जा व्यक्ति के अंदर में होता है, उतना ही ये हमारे जो आभा औरा है ये जो बढ़ती जाती है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर का क्या है, ये प्रकाश है, यही इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, क्योंकि स्थूल के अंदर व्याप्त है। और इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति जैसा आपका स्थूल शरीर होता है वैसा ही सूक्ष्म शरीर उसमें व्याप्त होती है। रूप आलोकमय, रश्मिमय और दिव्य है। रूप मतलब क्या है, रेडियंस, जो चमक शरीर में दिखती है, चेहरे के अंदर जो आभा है और शरीर में जो कांति दिखाई पड़ती, ये सभी के सभी सूक्ष्म शरीर का परिणाम है, अर्थात सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की आत्मा है। स्थूल शरीर को जो भी ऊर्जा या प्राण मिलती है वो सूक्ष्म शरीर से मिलती है, इसलिए सूक्ष्म शरीर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लोक लोकांतर गमन करने की शक्ति, स्थूल शरीर से हम इस अपने लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए बड़ा दिक्कत है, मुश्किल है, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि पंच महाभूत, इस पंच महाभूत जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर ही हमारे इस लोक से संबंध अंदर ही हम लोग इसे रख पाते हैं। लेकिन यहाँ से दूसरे लोक में जाना, दूसरे ग्रह नक्षत्रों में जाना है, तो मित्रों इसके लिए सूक्ष्म शरीर का ही, इस हमारे ऋषियों ने सूक्ष्म शरीर का विधान दिया है। सूक्ष्म शरीर
स्थूल शरीर को छोड़ करके जो पंच महाभूत है उसको छोड़ करके जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन और बुद्धि जो जिसके एक एलिमेंट है उससे लेकर के ये क्या है लोक लोकांतर गमन करने में सामर्थ्य है। इसको लेकर के हम कहीं भी जा सकते हैं कहीं भी पहुंच सकते हैं किसी ग्रह नक्षत्र में चाहे चंद्रमा लगी सूर्य लोक का ये मंगल बुध किसी भी ग्रह में कहीं वहां पे आप जा सकते हैं। आग में पानी के अंदर कहीं पे भी ये इसमें कोई इसका कोई रोड़ा नहीं होता ये जहां चाहे इच्छा अनुसार वहां गति कर सकता है। हमारे ऋषि संत महात्मा परकाया प्रवेश इसी सुषुप्ति के माध्यम से किया करते थे। तो लोक लोकांतर गमन की शक्ति मित्रों इसी स्थूल शरीर का परिणाम सूक्ष्म शरीर का परिणाम होता है। मरने के पश्चात लिंग शरीर पूर्व जन्मों के अनुसार पाप पुण्य जो पाप पुण्य होते उसके अनुसार निर्मित होता है। लिंग मतलब होता है चिन्ह जो जैसा चिन्ह अर्थात स्थूल शरीर जैसा है वैसा ही स्वरूप हमारे क्या होता है सूक्ष्म शरीर का होता है। ऐसा नहीं है कि ये मरने के बाद हमारा शरीर ये है वो दूसरा हो जाएगा उसका नाक का लंबा हो जाएगा या बाल बिल्कुल बहुत ही लंबा हो जाएगा डरावने जैसा हम लोग बहुत सारे कल्पना कर लेते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान रखना जैसा हमारा स्थूल शरीर है वैसा ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और किसी कारणवश शरीर अगर छूट गया हमारे जो समय जो निश्चित है जीवन का उससे पहले छूट गए तो ध्यान रखना हमारा शरीर वैसा ही होता है। अब मनुष्य का जैसा व्यक्तित्व होता है सूक्ष्म शरीर भी वैसा ही होगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप बड़े दानी व्यक्ति है बड़ा सहयोग की भावना आपके अंदर में है आपके अंदर में इमोशंस है तो ये शरीर सूक्ष्म शरीर में जब जाता है सूक्ष्म शरीर का भी क्वालिटी गुण वही होती है। जीवन भर व्यक्ति दूसरे को सताया है दूसरों को कष्ट दिया है तो मरने के बाद भी वही काम करेगा। इसका मतलब ये स्थूल शरीर का बिल्कुल प्रतिबिंब होता है मरने के बाद भी वही कार्य होता है और पूर्व जन्म के पाप पुण्यों के परिणाम ये सारे चीज प्रक्रिया हमारे जीवन में घटित होती है। साथ ही ये महत्वपूर्ण है जो स्लाइड में आप देख पा रहे हैं 17 तत्व से बना हुआ है। आचार्य शंकर ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य शंकर ने लिखा है उसमें कहा है सप्त दैशिकम लिंगम। विवेक चूड़ामणि में जो बात कही है सप्त दैशिकम 17 तत्वों से बना हुआ यह लिंग शरीर है। 17 तत्व कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्री नहीं 5 प्राण 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री 1 मन और 1 बुद्धि कुल मिलाकर के ये 17 तत्व है। ये 17 तत्व मिलकर के सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। मित्रों जहाँ प्राण है जहाँ ज्ञानेंद्री है प्रशेषण करने की सारी क्षमता है कर्मेंद्री है मन है और बुद्धि विश्लेषण की जिसमें क्षमता है ये सभी जहाँ संयुक्त हो जाए इनके द्वारा हर कार्य संभव है प्रत्येक कार्य किया जा सकता है। स्थूल शरीर का पर्टिकुलर एक क्या है उसमें लिमिटेशंस है लेकिन सूक्ष्म शरीर भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्यवान हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर की साधना हमारे योग शास्त्रों में महत्वपूर्ण विधाएं दी है। साथियों मैं आपको अलग अलग चक्रों की जब साधना विधि बताऊंगा इस समय इन सूक्ष्म शरीर की साधना के बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। और अंतिम जो शरीर हमारे पास है कारण शरीर भावमय शरीर कहा गया है। भावनाओं से भरा हुआ भावों से भरा हुआ यह हमारा शरीर है जिसे हम लोग कारण शरीर कहते हैं कॉजल बॉडी। ये भावनामय शरीर भाव से होता है इसका स्थान देखा जाए हृदय क्षेत्र को मानते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया कि स्थूल में 5 जो स्थूल शरीर है पंच यानी 5 एलिमेंट है इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व है। लेकिन साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कारण शरीर में केवल एक ही कारण होता है वो है अविद्या। एक ही एलिमेंट है वो है आपकी अविद्या अज्ञानता। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है ना पंच क्लेश अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा उसमें से एक जो अविद्या है जो असत्य में भी सत्य का दर्शन करता है और यही एक अविद्या जो हमें संसार में बांध के रखता है यही कारण है सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर को बनाए रखने के लिए अविद्या ही मूल कारण। जैसे ही साथियों अविद्या नष्ट होती है ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होती है और व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष के पथ में अग्रसर हो जाता है। कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर का आधार प्राण रूप है। जैसे मैंने चर्चा किया था कि स्थूल शरीर का प्राण आधार या आत्मा सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर का जो आधार है अर्थात सूक्ष्म शरीर को बनाए रखने के लिए जो कारगर महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है कारण है। कारण का मतलब है कॉसेस। उसका कारण जो है वो हमारी अविद्या है। अविद्या के कारण ही संसार के चक्र में व्यक्ति घूमता रहता है चलता रहता है। जन्म जरा बुढ़ापा मरणाधिक अवस्था जो कई प्रकार के रोग शोक हमारे जीवन में आता है इसका मूल कारण
यहीं पे होता है, अविद्या है। हम लोग उसे सही तरह से नॉलेज ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और इस संसारिक बंधन में उसमें एक गलती दूसरी गलती तीसरी गलती चौथी गलती करते चले जाते हैं और इसका कारण केवल एक होता है अविद्या, अज्ञानता। मित्रों जैसे ही ज्ञान का आवरण, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, योगी जीवन का ज्ञान में प्रकाश फैलता है, वैसे ही सारे अविद्या समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का शरीर, मानव जीवन, हमारी आत्मा मोक्ष और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। अंतिम स्लाइड मित्रों कहा गया है कारण शरीर अनुभव सुषुप्ति काल है। ये कारण शरीर में जब व्यक्ति पहुंचता है, भावमय शरीर है, यहाँ पे अविद्या होती है, लेकिन जब हम सुषुप्ति अवस्था में, एक ऐसे अवस्था जिसमें हम पूर्णतः अपने आप अंदर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर झांकते हैं और उस परमात्मा को दर्शन करने लग जाते हैं, और जिस दिन यह होता है तो अविद्या हमारे शरीर से क्या, हमारे अंदर से, आत्मा से अलग हो जाती है और आत्मा जो है मुक्त पंछी के रूप में हमारे इस शरीर से मुक्त हो जाती है। ये हमारा कारण है। तो तीन शरीर के बारे में चर्चा किया मित्रों, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीन शरीर महत्वपूर्ण है। इन तीन शरीर को आपने समझा जाना। अगले कड़ी में हम चर्चा करेंगे पंचकोश और षटचक्रों के बारे में। हम अलग अलग कोशों के बारे में, अलग अलग चक्रों के बारे में एक एक अलग से वीडियो तैयार करेंगे। साथियों आप इसे अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर करें ताकि यह ज्ञान का प्रकाश सभी तक पहुंचे, सभी समझे योग को। योग भारत की वो विद्या है, ज्ञान है, जन जन तक पहुंचे, लोगों को तक पहुंचे और इसे जाने और योग साधना में अपने जीवन को लगाकर जीवन लक्ष्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।